दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। सबसे पहले हमारे भाइयों, मित्रों, बहनों एवं दोस्तों को बिहारी मीडिया की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, यही हम आशा करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, शिक्षा विभाग में होगी बंपर बहाली, शिक्षकों को वेतन बढ़ेगा, नीतीश से तेजस्वी ने की कई घोषणाएं। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षक और अन्य पदों पर बहाली होगी, इसकी तैयारी चल रही है। शिक्षकों से अपील की है कि पूरे मन से बच्चों को पढ़ाए। वही उन्होंने आगे शिक्षकों से कहा कि आप लोगों का आगे भी समय समय पर वेतन राज्य सरकार बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय के 369 प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 37 व्यवस्था, पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय के 17 सहायक प्रधानाध्यापक एवं राजकीय अभियंत्रक महाविद्यालय के 139 सहायक प्रधान अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये बात कही है। वही देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य के विभिन्न जगहों पर 5 जनवरी से यात्रा पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर देखेंगे कि बिहार में जो काम हुआ है वो कितना प्रभावी है, लोगों की क्या समस्याएं, उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे और उसे दूर करने की दिशा में कार्य करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, वायरल गर्ल बने शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार ने किया सम्मानित। जी देखिए, बॉलीवुड फिल्म नायक के तर्ज पर वायरल गर्ल सलोनी को एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ बनाया गया। डीओ बनने के बाद सलोनी ने शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कही। इससे पहले सलोनी रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के चैम्बर में पहुंचे, जहां नशा मुक्ति पर उसने कई गीतों को गाया। सलोनी के गीतों को सुनने के बाद डीएम साहब ने उसकी खूब तारीफ की। दरअसल रोहतास जिला के तिलौतो क्षेत्र के रहने वाली छात्रा सलोनी ने मध्य विद्यालय पतलुका में पढ़ाती है। वायरल गर्ल सलोनी गरीब परिवार की है। शराब पीने से होने वाले नुकसान को गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास सलोनी ने किया। सलोनी का वीडियो वायरल होने के बाद वह चर्चा में आ गई। अगली बड़ी खबर में देखे, नीतीश कुमार शराबबंदी पर हुए और सख्त, कहा शराबबंदी पर सरकार गंभीर, धंधेबाज पर दिया यह आदेश। या देखे, नीतीश कुमार ने कहा कि शराब के असली धंधेबाजों को खोजकर पकड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। शनिवार को चपरा जहरीली शराब कांड के अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी पर कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर सरकार गंभीर है, पुलिस महकमा और महानिदेश दोनों विभाग के अधिकारी इसको देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक एक चीज की जांच हो रही है, यह कैसे हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बात जैसे ही हमारे सामने आई हमने अधिकारियों से कहा कि यह क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसकी जांच करें। हमने अधिकारियों से इसे तत्काल देखने का निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक एक चीज पर नजर रखिए। वहीं आगे देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में है, कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। कई बार जिनको इसको रोकने की जिम्मेदारी होती है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि आजकल शराब की सप्लाई करने वाले बाहरी एवं यहाँ के लोग रोज पकड़ा रहे हैं। वहीं देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा बिहार में शराबबंदी को लेकर गुजरात मॉडल लागू करने के मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पता नहीं है, जब वे हमसे मिलने आएंगे तो हम उनसे सारी बात बता देंगे। बड़ी खबर में देखिए, मांझी की बेटी चुनाव हारी, गया शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली महिला बने डिप्टी मेयर। जी हां देखिए, 60 वर्ष की उम्र तक गया शहर के सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली चिंता देवी की सेवा भाव ने जनता को इतना प्रभावित किया कि अब उन्हें उसी शहर की डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया है। गया शहर के लोगों ने डिप्टी मेयर पद पर नगर निगम की सफाई कर्मी रह चुकी चिंता देवी को चुना है। नगर निगम के पूर्व सफाई कर्मी चिंता देवी को डिप्टी मेयर पद के लिए 50,414 मत मिले। वह इनके निकटतम प्रतिद्वंदी दिव्या आनंद को 34,754 मत मिले हैं। वहीं देखिए, गया में मेयर पद पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बेटी सुनैना देवी भी चुनाव हार गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना सहित दक्षिण पश्चिमी बिहार में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप, जाने नए साल पर कैसा रहेगा मौसम का। जी देखिए, पटना में लगातार तीसरे दिन सर्द हवाओं के चलते पटना का उच्चतम तापमान सामान्य से कम रहा। शुक्रवार को सूरज के दर्शन कम ही हुए, धुंध और कोहरे की वजह से सूरज दोपहर बाद ही कुछ चमका। वहीं देखिए, मौसम विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे तक पटना और इसके आसपास इसी तरह मौसम बना रहेगा। रात के तापमान में आंशिक इजाफा संभव है, हालांकि दिन में इसी तरह गलन महसूस होगी। सुबह मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। वहीं जहां तक पूरे प्रदेश का सवाल है, दक्षिण बिहार में शीतलहर जारी है। पूर्वी बिहार को छोड़ देते दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बिहार में कुछ जगहों पर शीत दिवस दर्ज हुआ है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी। जनवरी से पुलिस शुरू कर रही है नई कवायद। जी हाँ, देखिए बिहार के सभी जिलों में यातायात थाना खुलेगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यहाँ पर जिन अधिकारी की तैनाती होगी वह सड़क सुरक्षा के मामले में पूर्ण रूप से ट्रेंड होंगे ताकि राज्य में बेहतर यातायात व्यवस्था की जा सके। वहीं देखिए, राज्य सरकार के निर्देश पर इस दिशा में काम शुरू किया गया है। अब जिला पदाधिकारी यातायात थाना के लिए जगह चिन्हित करेंगे, इनकी रिपोर्ट गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। वहीं परिवहन विभाग से यातायात थाना खोलने को लेकर सुझाव मांगा गया है ताकि वैसे इलाकों में थाना को स्थापित किया जा सके जहाँ दुर्घटनाओं की आशंका अधिक रहती है। जनवरी तक जिलों में थाना के लिए जगह चिन्हित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, नए साल में सरकार ने बदली सेविका और सहायिका चयन की नीति, अब चाहिए होगी ये डिग्री। यहाँ देखिए, बिहार में नए साल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्यता होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी, साथ ही वह आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने सेविका सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पूर्व में ऐसे अनेकों मामले आए थे जिसमें यह देखा गया था कि सेविका और सहायिका का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसको लेकर पूर्व में पे कई कार्रवाई भी की गई थी। वहीं अब सेविका और सहायिका चयन में सभी आवेदन की त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी। इसमें देखा जाएगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसके शैक्षणिक योग्यता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अधिसूचना में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार कोरोना से बचाव की तैयारियों में अव्वल। जहाँ देखिए, कोरोना की चौथी लहर के आहट के बीच इससे बचाव के मामले में बिहार देश में पहले पायदान पर, विशेषकर ऑक्सीजन आपूर्ति व इससे जुड़े उपकरण कॉन्स्ट्रेटर सिलेंडर के अलावा कर्मियों को प्रशिक्षण व ऑक्सीजन प्लांट में कर्मियों की तैनाती के मामले में बिहार ने पुख्ता तैयारी कर ली है। वहीं देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर की गई तैयारियों पर बिहार की जमकर सराहना की और देश के अन्य राज्यों को बिहार से सबक लेने की नसीहत दी। देश भर में अब तक हुए 5 मॉक ड्रिल में बिहार का सक्रिय ऑक्सीजन प्लांट का औसत अव्वल रहा है। वहीं बिहार के बाद अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ का स्थान है। बाड़ीघर में देखे, नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन बताया सुधाकर सिंह ने, कहा तेजस्वी को सीएम नहीं बनने दे रहे हैं। ज्यादा के आरजेडी के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव के खास विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। इस बार सुधाकर सिंह ने बयानबाजी की सीमा लांघते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पा रहे हैं। नीतीश जी को कुर्सी का लोभ छोड़ नहीं रहा है। एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार कुर्सी से उतरेंगे तो उनके किए गए कार्यों की सही मूल्यांकन होगा और इतिहास उनके सिकंडी के रूप में देखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोका है। तेजस्वी यादव राजद और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के घोषित कैंडिडेट है। बड़ी खबर में देखिए, मैट्रिक और इंटर बोर्ड में वोकेशनल कोर्स की भी होगी परीक्षा। जहाँ देखिए, बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल में अब वोकेशनल कोर्स को भी शामिल किया जाएगा। परीक्षा शेड्यूल के ऐच्छिक विषय वाले कॉलम में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे। वहीं देखिए, 2026 में इंटर परीक्षा शेड्यूल में वोकेशनल कोर्स को शामिल किया जाएगा। यह ट्रेड, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटीशियन, सिक्योरिटी और टूरिज्म का होगा। बिहार बोर्ड द्वारा 2024 के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में इसकी भी परीक्षा ली जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना ने इस बाबत बिहार बोर्ड को जानकारी दी है। आपको बता दें कि पहली बार सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हुई है। बड़ी खबर में देखिए, जनवरी से 8,71,00,000 लोगों को मिलेगा मुफ्त में अनाज, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। जहाँ देखिए, नए साल में 1 जनवरी से बिहार के 1,69,00,000 परिवारों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से 8,71,00,000 गरीब लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें बड़ी राहत भी देगा। जन वितरण प्रणाली की दुकानों को मुफ्त खाद्यान्न के अवज में गरीबों को अब पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वही देखिए, बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने सरकार के निर्देश के तहत मुफ्त अनाज वितरण सुनिश्चित कराने और उसकी सटीक मॉनिटरिंग करने का आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिया है।
बिहार में देखिए लगातार सातवें साल भी गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखे की बिहार की झांकी, केंद्र ने की खारिज, जदो ये बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप। जहाँ की दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य द्वारा प्रदर्शित की जाने वाले झांकी में बिहार के झांकी को खारिज कर दिए जाने पर अब फिर से सियासत तेज हो गई है। जदयू ने केंद्र पर बिहार विरोध रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि बिहार वास्तव में लालू जी और नीतीश जी के शासन काल में कला, संस्कृति, साहित्य के साथ इतिहास की परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाया है। सीएम नीतीश कुमार का दृष्टिकोण इस संबंध में हमेशा बहुत आत्म केंद्रित और अदूरदर्शी रहा है। अब 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी के लिए पूरे बिहार में एक से बढ़कर एक अच्छे ऐतिहासिक विशेष संदर्भ है, जिसमें से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन स्वयंभू और स्व केंद्रित मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं और उपलब्धियों वाले झांकी दिखाकर प्रचार कराना चाहते हैं। वहीं देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इससे केंद्र का बिहार विरोधी नजरिया दिखता है। केंद्र को बिहार के विकास से, यहाँ की नई सोच और बड़ी योजनाओं से नफरत है। देखिए सहरा राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। जहाँ देखिए चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी कि RVM तैयार कर लिया है। इसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देगा। नए साल को लेकर पटना के मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। याद रखिए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को तमाम धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा। धार्मिक परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रबंधक की माने तो नव वर्ष को लेकर मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे प्रबंधक अलर्ट मोड में है। वहीं देखिए महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए महावीर मंदिर की ओर से जिला प्रशासन के लगभग 100 निजी सुरक्षा कर्मी और स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी। भक्त के लिए 10,000 किलो नवेदम तैयार किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नवेदम के 10 काउंटर खोलने की योजना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।